नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला देख रहे थे। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे वर्ल्ड बैंक को, देख चुके थे विश्व बैंक को। इसमें बात करेंगे हम लोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC को, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो याद रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका सचिवालय कहाँ है, सिंगापुर। इसके सदस्यों की बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो इसमें सदस्य हैं 21। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, USA, वियतनाम, ठीक है। 21 देश इसमें है, ठीक है। याद रखिए, इसमें इसकी स्थापना हुई 1989 में, इसका सचिवालय है सिंगापुर, और 21 सदस्य इसमें देश हैं। उद्देश्य की बात करें तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के उद्देश्य की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक तकनीकी विकास, सहयोग और व्यापार निवेश की सुविधा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख स्तंभों की बात करें, ठीक है, तो व्यापार और निवेश उदारीकरण, फिर व्यापार सुविधा और आर्थिक तकनीकी सहयोग, ठीक है। याद रखिए, इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, ठीक है। आगे बात करते हैं सम्मेलन, तो इसका सम्मेलन हुआ था, इसके सम्मेलनों की बात करें तो 2017 में हुआ नवंबर में दा नैंग वियतनाम में, और नवंबर 2018 में जो हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। याद रखिए, 2019 में जो था ये था चिली सैंटियागो, तो ये कैंसिल हो गया था, तो ठीक है, ये नहीं हुआ। फिर 19 का होना था सम्मेलन, वो कैंसिल हो गया था। याद रखना, इसमें एक और बात, भारत सदस्य नहीं है इसका, ठीक है, याद रखिए भारत सदस्य नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ठीक है।